सीईसी की ऑनलाइन व्याख्यान श्रृंखला में सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करती हूँ। मैं आज एक बार फिर आपके बीच में उपस्थित हूँ विशाख दत्त द्वारा रचित नाटक मुद्रा राक्षस पर चर्चा करने के लिए। इससे पूर्व मैंने आपके सामने कुछ पद्यों पर प्रकाश डाला था और ये पद्य पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्य हैं। यहाँ मैं एक बात बताना चाहूंगी कि यद्यपि पाठ्यक्रम में निर्धारित अंश पूरे मुद्रा राक्षस के से संबंधित नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अंश इसमें छोड़े गए हैं, परंतु जब तक हम उन अंशों को भी नहीं जानेंगे तब तक हम निर्धारित पाठ्यक्रम के अंशों को जान नहीं सकते। इसलिए मेरा ये प्रयास रहेगा कि जो छूटा हुआ अंश है उसको भी आपके सामने प्रस्तुत करते हुए उसको जो निर्धारित अंश है उसके साथ जोड़कर आपके साथ बातचीत की जाए, अन्यथा मुद्रा राक्षस नाटक के द्वारा प्राप्त होने वाली रसानुभूति संभव नहीं हो पाएगी। तो इसी कड़ी में मैं आपके सामने श्लोक संख्या 7 जो प्रथम अंक की है उस पर बातचीत करना चाहूंगी, परंतु उससे पहले मैं आपके सामने ये बताना चाहूंगी कि इससे पूर्व का जो घटनाक्रम है वो क्या है। तो नांदी के पश्चात मंच पर सूत्रधार प्रवेश करता है और वो नाटक और नाटककार के विषय में सूचना देता है और सूचना देने के बाद वह अपनी पत्नी से बात करने के लिए अपने घर की ओर जाता है और घर जाकर उसे उत्सव जैसा वातावरण दिखता है। तो पत्नी से पूछता है कि क्या कारण है कि हमारे घर में ये उत्सव जैसा वातावरण है। तो पत्नी के ये बताने पर कि आज चंद्र ग्रहण है, सूत्रधार कहता है कि चंद्र ग्रहण आज नहीं हो सकता क्योंकि मैंने भी ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया है और आज चंद्र ग्रहण वाली स्थिति नहीं है। तो उस समय सूत्रधार जब ये कहता है कि आज चंद्र ग्रहण नहीं है और उस संदर्भ में वो वाक्य प्रस्तुत कर रखता है कि चंद्रस्य ग्रहणमिति, चंद्रस्य ग्रहण विषय अर्थात चंद्रमा चंद्र ग्रहण है, इस संबंध में किसी ने तुम्हें गलत बताया है। तो जैसे ही सूत्रधार चंद्र और ग्रहण, चंद्रस्य ग्रहण ये बात करता है तभी नेपथ्य से आवाज आती है कि आह कौन मय स्थिते चंद्रम अभिभवितुम इच्छति। जो भी नेपथ्य से सुनता है वो, क्योंकि उसको संदर्भ नहीं पता, उसको प्रसंग नहीं पता कि किस संदर्भ में ये बात कही जा रही है, तो वो इसका मतलब ये निकालता है कि चंद्र का अर्थ है चंद्रगुप्त और ग्रहण का मतलब है ग्रहण मीन्स पकड़ना। तो उस पर ग्रहण मीन्स उसको पकड़ना या घेरना चाहता है। तो ये बात समझकर क्रोधित होकर ये पंक्तियां नेपथ्य से आती हैं और किसी को पता नहीं होता कि ये मंच ये पीछे कौन है, परंतु सूत्रधार समझ जाता है और वो जो श्लोक मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ उस श्लोक के द्वारा ये बताता है कि ये और कोई नहीं है, ये चाणक्य है। तो उसी संदर्भ में देखिए ये श्लोक है, कौटिल्यः कुटिलमतिः स एष येन क्रोधाग्नौ प्रसभमदाहि नन्दवंशः चंद्रस्य ग्रहणमिति श्रुते स नाम्नो मौर्येन्दोर द्विशदभियोग इत्यवेति। अब देखिए वो कहता है, वो समझ गया कि जो नेपथ्य में है ये चाणक्य ही है और इसलिए वो उसका परिचय देते हुए कहता है कि एश्मिस यह सह वह कौटिल्यः कुटिलमति, वह कुटिलमति कुटिल बुद्धि वाला कौटिल्य है अर्थात चाणक्य है, येन जिसके द्वारा क्रोधाग्नौ क्रोध रूपी अग्नि में नंदवंश प्रसभम बलपूर्वक जबरदस्ती अदाही जला दिया गया। उसके बाद कहते हैं चंद्रस्य ग्रहणमिति श्रुते स नाम्नो, चंद्रस्य ग्रहणम चंद्र का ग्रहण इति, इस प्रकार से श्रुते सुनने से
सनामनो समान नाम वाले मौर्येंद्रो, मौर्येंद्रो मौर्य वंश के लिए चंद्रमा स्वरूप चंद्रगुप्त के लिए आया है। तो मौर्येंद्रो मीन्स चंद्रगुप्त का द्विषद अभियोग, द्विषद मीन्स शत्रु, तो शत्रु के द्वारा अभियोग घेरा जाना इति अवैति ऐसा समझ रहा है। ये जो चाणक्य ने नेपथ्य से उक्ति कही थी, जो वाक्य कहा था, उस वाक्य के आधार पर सूत्रधार ये समझ जाता है कि ये और कोई नहीं है, ये कुटिल बुद्धि टेढ़ी बुद्धि वाला कौटिल्य, कुटिल कुटिल होने के कारण ही कौटिल्य नाम उसका पड़ा। तो कौटिल्य अर्थात चाणक्य है, और उसने सुना, क्या सुना, नाम समान नाम वाले चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त का नाम सुना, अर्थात चंद्र सुना, और चंद्र जो है चंद्रगुप्त का नाम है, इसलिए समान नाम वाले चंद्रगुप्त पर शत्रु आक्रमण करना चाहता है या शत्रु उसको घेर लेना चाहता है, वो ये समझ रहा है। अब यहाँ पे देखिए दो वाक्य हैं, और दोनों ही वाक्यों में भूत और वर्तमान दोनों प्रकार की कथा वस्तु की ओर संकेत मिलता है। यहाँ पे जो पहली दो पंक्तियां हैं उनके माध्यम से ये संकेत मिलता है, ये कथा वस्तु बताई गई जाती है कि पूर्व में इस नाटक के कथा वस्तु से पहले की घटना है कि पूर्व में चाणक्य ने नंद वंश का विनाश कर दिया था, और मैंने एक दो बार आपको पीछे भी बताया, कारण भी बताया कि चाणक्य का अपमान किया है नंद वंशों ने, तो उस अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं पूरे के पूरे नंद वंश का विनाश कर दूंगा, और उसने म्लेच्छ राजाओं की सहायता लेकर विशेष रूप से पर्वतक जो पर्वतीय देशों के राजा थे उनकी सहायता लेकर और नंद वंश का विनाश कर दिया था, पूरे वंश को समूल नष्ट कर दिया था। तो यही इन दो पंक्तियों के माध्यम से जो वृत्त है अर्थात जो घटना घट चुकी है पूर्व में इस नाटक से, उसकी ओर संकेत किया गया है। और जो दूसरी दो पंक्ति हैं उसमें चंद्रस्य ग्रहणम इति श्रुते सनामनो, चंद्र का ग्रहण ऐसा सुनने से समान नाम वाले चंद्रगुप्त का शत्रु के द्वारा घेरा जाना ऐसा समझ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो आगे की घटना की ओर भी संकेत मिलता है, सूचना मिल रही है आगे की घटना की कि आगे क्या होने वाला है। आगे यही होने वाला है कि राक्षस चंद्रगुप्त पर आक्रमण करने का पूरा जो है उसने षड्यंत्र रचाया है, और वो मले केतु की सहायता से चंद्रगुप्त को हराने की, उससे अपने नंदों का राज्य वापस छीनने की कोशिश करेगा। तो एक तरफ राक्षस चंद्रगुप्त को हराकर चंद्रगुप्त से राज्य छीनने की कोशिश करेगा, जबकि दूसरी तरफ चाणक्य उस राज्य की रक्षा करेगा, और चाणक्य ने जो प्रतिज्ञा की है कि वो राक्षस को चंद्रगुप्त का मंत्री बनाएगा, तो वो उस ओर प्रयत्न करेगा। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर पूर्व की घटनाएं और जो आगे की घटनाएं हैं उन दोनों घटनाओं की इस श्लोक के माध्यम से सूचना प्राप्त होती है। ये पद्य प्रस्तावना के अंतर्गत आता है। जैसा कि प्रस्तावना के विषय में मैं पिछले अपने व्याख्यान में विस्तार पूर्वक बता चुकी हूँ, तो ये नांदी के बाद का जितना भी भाग है और इस पद्य तक, ये प्रस्तावना के अंतर्गत आता है। प्रस्तावना के विषय में हमने पिछले व्याख्यान में यही बताया था कि नटी विदूषक या कोई और साथी पात्र सूत्रधार के साथ मिलकर वार्तालाप करते हुए कथानक की सूचना देते हैं, नाटक में घटित होने वाली घटनाओं की सूचना देते हैं, नाटक का आरंभ करते हैं, तो उसे प्रस्तावना कहते हैं। तो ये प्रस्तावना प्रस्तुत पद्य तक समाप्त हो जाती है, क्योंकि प्रस्तुत पद्य के बाद नटी और सूत्रधार निकल जाते हैं मंच से, और उसके बाद आता है इति प्रस्तावना।
यहाँ भी देखिए कुछ विशेष बातें हैं जो इस नाटक के व्याख्याकार ढूंढीराज ने बताई हैं, स्पष्ट की हैं। ढूंढीराज के अनुसार विष्कंभक, यहाँ पर विष्कंभक भी है और विष्कंभक का लक्षण है वृत्त वर्तिष्यमाणा नाम कथांशा नाम निदर्शक संक्षेपार्थस्तु विष्कंभो मध्य पात्र प्रयोजिता। अर्थात वृत्त, वृत्त मीन्स जो घटित हो चुकी हैं, और वर्तिष्यमाण जो कि आगे घटित होने वाली हैं, उन कथांशों का, उन कथा भागों का निदर्शका, निदर्शका मीन्स उनका सूचना देने वाला, और संक्षेपार्थस और संक्षेप में सूचना देने वाला विष्कंभ कहलाता है। विष्कंभ और विष्कंभक एक ही बात है, कोई विष्कंभ कहता है, कोई विष्कंभक कहता है, तो विष्कंभ या विष्कंभक कहलाता है और वो मध्य पात्रों के द्वारा प्रायोजित किया जाता है। देखिए उत्तम पात्र होते हैं, मध्यम होते हैं और निम्न पात्र होते हैं, तो जो मध्यम पात्रों के द्वारा नियोजित किया जाए, प्रायोजित किया जाए, उस भाग को विष्कंभक कहते हैं। देखिए अभी हमने जो भी कथा भाग अभी तक पढ़ा तो अब प्रस्तुत सूत्र में भी हमें स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि इस सूत्र प्रस्तुत श्लोक में ये स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर भूतकाल अर्थात जो घटित हो चुकी हैं और भविष्य में जो घटित होने वाली घटना है उसकी सूचना प्राप्त हो रही है। जैसे कौटिल्य कुटिलमति स एष येन क्रोधाग्नो प्रसव मदाहि नंदवंशः, इन पंक्तियों में जो घटनाएं घट चुकी हैं उनका हमें संकेत प्राप्त हो रहा है, सूचना प्राप्त हो रही है। और आगे जो चंद्रस्य ग्रहणमिति श्रुते है सनामनो मौर्येन्दोर द्विषदभियोग इत्यवैति, ये जो दोनों पंक्तियां हैं इनके द्वारा हमें भविष्य में जो नाटक में होने वाली घटनाएं हैं, नाटक की कथा वस्तु जो आगे होने वाली है उसके संबंध में सूचना मिल रही है कि यहाँ पर राक्षस मलयकेतु के साथ मिलकर चंद्रगुप्त पर आक्रमण करेगा या करने की तैयारी करेगा। तो इस प्रकार से जो ये घटनाएं हैं उनके विषय में जानकारी श्लोक के द्वारा हमें प्राप्त हो रही है। इसलिए यहाँ पर ढूंढीराज ने कहा कि ये विष्कंभक है जिसका काम प्रस्तावना नहीं कर दिया है, इसलिए विष्कंभक का प्रयोग ना करके नाटककार ने प्रस्तावना के द्वारा ही विष्कंभक का कार्य भी कर दिया है। दूसरी बात एक और है कि चाणक्य ने नेपथ्य से ही कहा था कि आ क एष मयि स्थिते चंद्रगुप्तम अभिभवितुम इच्छति, उन्होंने पीछे से कहा कि मेरे रहते हुए कौन चंद्रगुप्त पर आक्रमण करना चाहता है। तो यहाँ पर देखिए चूलिका जिसके विषय में कहा, उसकी परिभाषा है अंतर्जवनिका संस्थैश चूलिका अर्थस्य सूचना, अर्थात अंतर्जवनिका स्थिति, जवनिका के अंदर, जवनिका होता है पर्दा, नेपथ्य, तो नेपथ्य में स्थित लोगों के द्वारा यदि अर्थस्य सूचना अर्थात कथा भाग की कथा की सूचना मिले कि कहानी में क्या होने वाला है उसकी सूचना मिले तो उसे चूलिका कहते हैं। तो यहाँ पर चूलिका का प्रयोग भी नाटककार ने नहीं किया है, परंतु चूलिका का काम भी यहाँ पर प्रस्तावना के द्वारा ही हो गया है, क्योंकि यहाँ प्रस्तावना के अंतर्गत ही जवनिका के पीछे नेपथ्य से चाणक्य जो कथा भाग की सूचना दे रहा है कि मेरे रहते चंद्रगुप्त पर कोई भी आक्रमण नहीं कर सकता, चंद्रगुप्त को कोई भी घेर नहीं सकता, तो यही कथा आगे होने वाली है। चाणक्य चंद्रगुप्त के राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए राक्षस को मंत्री बनाने के लिए योजनाएं बनाता है और अपने इस कार्य में सफल भी होता है, इसीलिए यहाँ कहा कि मेरे रहते चंद्रगुप्त पर आक्रमण करने की बात कौन सोच सकता है। तो ये प्रस्तावना
चूल्हे का भी इसी में अंतर निहित है। तो एक प्रस्तावना जिसमें कि विष्कंभक भी है और चूल्हे का भी है, दोनों ही है, और वो हमें प्रस्तुत पद्य में ही वो प्राप्त हो रही है। तो ये मैंने आपको बताया कि ढूंढीराज ने इसके जो पद्य है इसमें प्रस्तावना किस प्रकार से है, और प्रस्तावना के साथ साथ इसमें विष्कंभक का काम भी हो रहा है और चूलिका का काम भी हो रहा है। ये सब नाटकीय शब्द हैं, परिभाषाएं हैं, और नाटक में इनका प्रयोग, नाटक में रस निष्पत्ति के लिए, नाटक के कथानक को रोचक बनाने के लिए इनका समावेश नाटक के अंदर होता है और होना भी चाहिए, अत्यंत आवश्यक है। अब मैं इसके व्याकरण संबंधी टिप्पणियों पर आती हूँ, और इसमें शब्द है कुटिलमति, और ये कौटिल्या का विशेषण है। कुटिलमति समास है इसमें, कुटिला मति ही यस्य सह, तो जिसकी मति ही बुद्धि कुटिल है, और वह विशेषण किसके, कौटिल्य। तो कौटिल्य इसीलिए उसको कौटिल्य कहा क्योंकि उसकी कुटिल मति है। तो ये बहुव्रीहि समास है, और कौटिल्य जिसका अर्थ चाणक्य है, जो कुटिल बुद्धि के कारण जिसका नाम कौटिल्य पड़ा, तो ये उसका विशेषण है। उसके बाद यहाँ देखिए क्रोधाग्नौ है, तो क्रोध और अग्नौ ये इसमें रूपक अलंकार है, और क्रोधस्य अग्नि या क्रोधा एव अग्नि, क्रोधा एव अग्नि ही यहाँ पर कर्मधारय समास है, और तस्मिन क्रोधाग्नौ ये बनेगा सप्तमी विभक्ति एकवचन में। और यहाँ पे देखिए ये जो इसमें आत्मनेपद का प्रयोग है, यहाँ पे जो आत्मनेपद का प्रयोग यहाँ क्रिया में है, इसका कारण ये है कि ये कर्मवाच्य का वाक्य है। यहाँ पे येन मैं मुख्य वाक्य जो कर्मवाच्य का है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, वो है येन नंदवंशः अदाहि, ये मुख्य वाक्य है, ये कर्मवाच्य का वाक्य है। यहाँ पे कर्ता है येन, जिसके द्वारा, और नंदवंश, नंदवंश को अदाही जला दिया गया, तो यहाँ पे कर्म है नंदवंश, कर्ता है येन, तो कर्ता में तृतीया है येन, और नंदवंश में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है, और अदाही जो है वो दह धातु कर्मवाच्य में लुंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन में प्रयुक्त हुआ है। तो इस प्रकार से ये कर्मवाच्य का वाक्य है। इसके बाद देखिए श्रुते है जो है, श्रुति शब्द है, श्रुति शब्द होता है सुनना, और श्रुते है पंचमी विभक्ति एक वचन में प्रयोग है, श्रुते में सुनने से। और उसके बाद सनामनो, सनामनो में समास हुआ है, समानम नाम यस्य तस्य, सनामनः है, सनाम बनाने के बाद षष्ठी विभक्ति एक वचन में सनामनः बनता है, तो यहाँ समान के स्थान पर स समास के कारण हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर समान के स्थान पर स होकर और सनाम बनता है, और षष्ठी एक वचन में सनामनः बनता है, और संधि करने के बाद ऊ होकर सनामनो बनता है। उसके बाद है मौर्येन्दो, मौर्य आ और ई, इन दोनों के स्थान पर ए हो जाता है, तो मौर्य एव इंदु, ये यहाँ पर भी कर्मधारय समास है। और इसी प्रकार से द्विशद अभियोग, मौर्येन्दो हो षष्ठी विभक्ति एकवचन में है, उसके बाद द्विशद अभियोग, तो द्विशता अभियोग, शत्रु के द्वारा अभियोग, तो इस प्रकार से इसमें इन शब्दों का समास संधि इत्यादि होकर ये रूप हमें प्राप्त होते हैं। इस पद्य में इत्यवैति इस शब्द पर मैं विशेष रूप से व्याकरण की दृष्टि से प्रकाश डालना चाहूंगी कि यहाँ पर जब हम इसको संधि विच्छेद करते हैं तो इति और अवैति
इस प्रकार से संधि विच्छेद होता है। तो सबसे पहले इति और अवैति में इकोयणचि सूत्र द्वारा ई के बाद अ स्वर आने पर ई के स्थान पर यह हो जाता है, तो इत्यवैति रूप बनता है। और अवैति को जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये अव और एति होता है। देखिए अव में अ है और उसके बाद एच प्रत्याहार का वर्ण है ए। यहाँ पर वृद्धिरेचि सूत्र द्वारा भी वृद्धि प्राप्त हो सकती थी, परंतु इसका अपवाद हमें प्राप्त होता है और वो होता है सूत्र एंगी पररूपम। उस सूत्र के अनुसार अवर्ण के बाद यदि एंग प्रत्याहार एओ, एंग प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले किसी वर्ण से आरंभ होने वाली धातु होती है तो पररूप संधि होती है, अर्थात वृद्धि ना होकर पररूप संधि होती है। तो यहाँ पर देखिए एति ई धातु का रूप है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में ये रूप होता है, तो इसलिए यहाँ पर एंग से आरंभ होने वाली धातु होने के कारण एंगी पररूपम सूत्र द्वारा यहाँ पररूप संधि प्राप्त थी। परंतु हमारे पास एक और सूत्र है एत्येधत्युठसु। इस सूत्र के अनुसार यदि अवर्ण के बाद एच से आरंभ होने वाली ई धातु होती है तो तब पररूप नहीं होता, तब वृद्धि संधि होती है। तो यहाँ पर ई धातु है और ए से आरंभ हो रही है एति, ई धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में एति बनता है। तो ये ई धातु है जो कि ए से आरंभ हो रही है, इसलिए यहाँ पर वृद्धि संधि होगी। तो जब भी वृद्धि संधि करनी है तो वृद्धि रेचि से नहीं करनी है, क्योंकि ये धातु है और धातु का यदि ए परे होने है तो पररूप संधि प्राप्त होती है, जिसका के बाद करके फिर से हम यहाँ पर एत्येधत्युठसु सूत्र द्वारा ही वृद्धि संधि कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस सूत्र में अलंकार की बात करें तो यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग है। देखिए एक है क्रोधाग्नौ, क्रोध रूपी अग्नि, और रूपक की परिभाषा है रूपकम रूपितारोपो विषये निरपन्नवे। तो यहाँ पर जो है आरोप किस पर किसका है, क्रोध पर अग्नि का आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। और मौर्य इन दो में भी रूपक अलंकार है, मौर्य को चंद्रमा के समान, मौर्य पर चंद्रमा का आरोप किया गया, मौर्य चंद्रगुप्त पर चंद्रमा का, इंदु में चंद्रमा, तो यहाँ आरोप होने के कारण रूपक अलंकार है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम अगर बात छंद की करते हैं तो इसमें प्रहर्षिणी छंद है, जिसका की लक्षण है त्रयाशाभिर मन जरगाह प्रहर्षिणीयम। तो यहाँ पर छंद और अलंकार ये विशेष हैं जिनको कि हमें बताना होगा कि इसमें अलंकार कौन सा है और छंद कौन सा है। यहाँ पे देखिए छंद के पहचान करने के लिए जो गणों का क्रम है वो है पहले मगण, नगण, जगण, रगण और गुरु। ये यदि वर्णों का क्रम इस प्रकार से होता है तो प्रहर्षिणी छंद होता है। तो इस प्रकार से अब यहाँ देखिए ये यहाँ तक तो ये प्रस्तावना थी, अब इससे आगे जो भी वर्णन आएगा, जो कथा भाग आएगा वो मुख संधि का, उसको हम मुख संधि कहेंगे। तो संधियां क्या होती हैं, मुख संधि किसे कहते हैं, तो ये संदर्भ मैं आपके सामने अगले व्याख्यान में प्रस्तुत करूंगी। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ, तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।